Good morning everyone. Today I am coming here through this video with an appeal to all my students who read in the Aspire in the past, who are in the present batches and who really want to crack this examination. तो ये वीडियो मैं उन सब बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कभी ना कभी Aspire से जुड़े रहे हैं, Aspire के साथ उन्होंने पढ़ा है, कुछ ना कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं आज भी शायद उन लोगों को फील होता है कि जो उन्होंने Aspire में पढ़ा वो उनके दिमाग में है। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूँ एंड आई एम फीलिंग द पेन ऑफ ऑल माय स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ वन और अदर सर्कमस्टांसेस। आज आप लोग अपने घरों पर हो, आपको बाहर निकलते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, अंदर से फील होता है कि हम अभी तक नहीं बने, सर को फेस कैसे दिखाएं, कहीं ना कहीं ये फील होता है मम्मी पापा क्या बोलेंगे इस बार भी अगर पीटी नहीं निकला। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये कभी मत सोचो कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे, क्योंकि हम सब ने आपके कैरियर के लिए कुछ ना कुछ योगदान दिया और हम चाहते हैं आप बने। आई ऑलवेज लव माई क्रिटिसिजम्स वॉट एवर इट मे बी, रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ क्लास, रिलेटेड टू डिले इन द क्लास, related to scolding in the class, because every criticism give me the opportunity to improve. तो आप सब के लिए हमने इस बार एक नया बैच निकाला है। वो बैच उन बच्चों के लिए जो हमसे पढ़े हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं और जो सिर्फ हर साल एक या दो नंबर से रह जाते हैं। आपको किसी क्लास में आने की जरूरत नहीं है एस्पायर की, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन आप वो दिन याद कीजिए जब एस्पायर के थ्रू आपका रूटीन बनता था। वो दिन याद कीजिए जब आप जो पढ़ते थे वो दिमाग में रहता था और आप सिर्फ एक या दो नंबर के मार्जिन से रह गए। तो आज हम उस पीक टाइम पर हैं जब हम ये एग्जाम निकाल सकते हैं और ये सोच कर ही कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले रिवीजन का, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस छोटे छोटे से लूप होल्स हैं। तो उन लूप होल्स को खत्म करने के लिए, आपका पैसा और टाइम बचाने के लिए हम लोग आए हैं रॉ पीटी के साथ। रॉ एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर तीन चीज़ों को हम एक साथ डील करेंगे। फर्स्ट, रिवीजन पूरे जीएस का, सब सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी, मैपिंग, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स। रिवीजन करने के बाद उनको हम एनालाइज करेंगे एज पर 2019-18-17 पैटर्न, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं और फिर हम जीत जाएंगे पीटी के अंदर। तो वी इंट्रोड्यूसिंग रॉ पीटी बैच फॉर ऑल माय कैंडिडेट्स। व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू आई कैन टेल यू, द फर्स्ट सेशन इज इन मंडे। तो व्हेन द फर्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे, तो हम लोगों ने दो दो पेपर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द होल वीक टू टाइम्स वी आर टेकिंग ज्योग्राफी। इन ज्योग्राफी फर्स्ट वी कैन डू लाइव MCQ। Suppose I am asking the question, which of the following factors is or are associated with jet stream? Then I am giving two statement and then you will click the right statement and then I ask in the class A, B, C, D. Itna hum last year tak karte the, iske aage hum karenge. After dealing with this topic, I can provide the explanation of the whole topic. In this manner, I am choosing around 100 topics. I am having the experience of 14-15 years. I am having the experience that how many people disqualified every year and what not to do. I am having the experience of my topper students and I am having the experience of UPSC in the last 5 changing patterns. तो शायद मैं आपकी और लोगों से अच्छी मदद कर सकूं। लाइव MCQ का मतलब है टीचर जो पढ़ाता है वही MCQ बनाएगा, बच्चे जो पढ़ते हैं वो सॉल्व करेंगे और उसी समय वो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। एंड दिस सेशन इज अराउंड 7.5 आवर। हफ्ते में दो दिन ये टॉपिक चलेगा, दैट मीन्स अराउंड 14-15 आवर्स वी कैन डिवोट फॉर द रिवीजन एंड 200 MCQ। जैसे ही सेकेंड पेपर खत्म होगा तुरंत उसके बाद आपका UPSC पैटर्न का 2 घंटे का पेपर होगा, दैट इज अटैचमेंट टू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप वो 2 घंटे UPSC सर्कमस्टांसिस के अंदर 2 घंटे बैठ के OMR को गोला भरें। तो आपकी 3 प्रैक्टिस एक साथ होंगी, रिविजन ऑफ द होल सब्जेक्ट, नंबर 2 MCQ बाय द सर थ्रू एक्सपीरियंस, एंड नंबर 3 UPSC पेपर इन विच 2 आवर यू कैन सिट एंड कंप्लीट द पेपर विद इन 2 आवर एंड चेक योर पेपर।
हमने पेपर और ये मॉड्यूल कैसे डिजाइन किया है, हर चीज आपको ही करनी है, हमारे थ्रू एक सिमिलैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इसी वीडियो के आखिर में हम आपको सिलेबस देंगे एंड इट इज ऑल्सो इन द बिलो पार्ट, जहां से आप शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सपोज अपकमिंग मंडे वी आर स्टार्टिंग 10th of February, तो आप 10 फरवरी तक मैपिंग ऑफ इंडिया एंड क्लाइमेटोलॉजी करके आएंगे, बिकॉज इन द फर्स्ट पेपर आई एम फोकसिंग अपॉन क्लाइमेटोलॉजी, मैपिंग ऑफ इंडिया एंड जीसी लिया हूं। फिर इसके बाद 10 से 15 तक आप लोग कंप्लीट करेंगे जुमोफोलॉजी, वर्ल्ड मैपिंग एंड अदर क्वेश्चंस। इस तरीके से हम लोग आज 6th of February से लेकर 16th of February तक ज्योग्राफी करेंगे 10 डेज। फिर 16th February से लेकर 26th February तक हमारा फोकस रहेगा एनवायरमेंट। फिर 26th February से लेकर अराउंड 6th or 7th of March तक फोकस रहेगा हमारा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, एनी सब्जेक्ट। इस तरह से हमने 10 दिन में एक एक सब्जेक्ट को बांट दिया है। एंड वेयर वी कैन गिव अराउंड 15 डेज टू करंट अफेयर्स, 1000 दैट्स अ डेज। तो आप पहले खुद पढ़ के आएंगे, फिर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ मेरी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर यूपीएससी टेम्परामेंट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब हर सब्जेक्ट के साथ 300 क्वेश्चन, तो 300 क्वेश्चन, 7 सब्जेक्ट, 7 × 3 2100, प्लस 3 exclusive paper ऑफ करंट अफेयर्स, That is 300 questions and 3 composite paper. If we are doing in this manner, around 3000 MCQs we can solve. 90 to 95% GS we can revise. You can also receive GS booklets, which is belong to 1000 day current affairs. Even you can do the learning like Aspire, never before. So we are not saying ki aap log koi batch join kijiye, naye bachcho ke saath baithiye. लेकिन बस इस चीज को याद रखिए, कैसे हम रिवीजन किया करते थे, कैसे हम लोग एक एनर्जी को जनरेट करते थे। तो आज ये बैच आप लोगों के सेवा में, आप लोगों के कैरियर के लिए, क्योंकि इस कैरियर का सिर्फ आपको नहीं हमारे को भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज वी आल्सो वर्क हार्ड फॉर यू एंड यू योर सेल्फ वर्क हार्ड लाइक एनीथिंग। तो डोंट बी द विक्टिम ऑफ योर ओन ईगो, उस ईगो को थोड़ा पीछे रखिए, आगे बढ़िए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। This is my promise, 100% this batch will help you. Those who wrote the mains, हम उनसे सिर्फ हर session 200 रुपी चार्ज करेंगे, and those who anytime was the student of Aspire, उनसे हम सिर्फ 300 रुपीज पर सेशन का चार्ज करेंगे। पर्पज इज वेरी जेन्युइन कि आप एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवाइज करें। हम लोग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, प्लस इंडिया ईयर बुक, कल्चर एंड 1000 डेज करंट अफेयर्स, एंड दिस बैच विल एंड बाय 28th of April। इसके बाद अगेन यू आर हैविंग 33 डेज, और आप उसमें जम के 3 बार 4 बार रिवीजन कर सकते हैं, खासकर वो जो मैंने क्लास में कराया। तो इफ यू रियली वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस यूनिक बैच बाय द नेम ऑफ रॉ, रिवाइज, एनालाइज एंड विन पीटी बैच, द शेड्यूल इज मेंशन बिलो। प्लीज शेयर दिस वीडियो। इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट, इफ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम माई साइड, प्लीज जॉट डाउन और मेल मी ऑन a.kumar.ais। लेकिन ये साल अगर आपने मेहनत कर लिया, आपको अगले साल किसी कोचिंग, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। यू विल गो टू योर रियल डेस्टिनी, दैट इज लवासना। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, वी आर इन योर सर्विस, आवर मोटिव इज नॉट मी बट यू, एंड रियली दिस विल बिलोंग टू यू, क्योंकि अगर आपकी जय है तो हमारी भी जय है। और जो एक गुरु होता है, जो मास्टर होता है, वो वाकई में अपने डिसाइपल्स को बनता हुआ देखना चाहता है। अगर मैं किसी को देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है और मेरा मन करता है यार मैं इसकी मदद कर दूँ। तो दिस इज अ वेंचर वेयर वी रियली वॉन्ट टू हेल्प यू। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आएंगे, एंजॉय करेंगे, मंडे को मैं वेट करूंगा सब लोगों का। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।